यहाँ पे हमारे जैसे बहुत लोग हैं। आज बनाएंगे मटन यखनी पुलाव। देखिए फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मटन यखनी पुलाव। इसमें मैंने ले लिया मटन और एक ही आलू है, इसको अब हम मैरिनेट कर देते हैं। ये एक कप चावल ले लिए हैं, ये भिगा दूंगी मैं आधे घंटे तक। आधे घंटे तक मटन भी मैरिनेट हो जाएगा, तब तक चावल भी भीग जाएंगे। मिशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल लिया है मैंने मैरिनेट करने के लिए। पुदीना इसमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक, हल्दी, होल चिली, जीरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये एक बाटी दही, ये भी इसमें डाल दूंगी। दही ऐड कर दिया है थोड़ा सा। देखिए हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथ से ही मिक्स करिए, बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी, आधा घंटा मैरिनेट होने देंगे। मटन पुलाव के लिए पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। यह धनिया और टमाटर, इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ये हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी। ये मैंने तड़के के लिए दो प्याज काट लिए हैं, ये है तेज पत्ता, दो से चार तेज पत्ता ले लिया है, दालचीनी ले ली है, छोटी इलायची, लौंग। और आधा घंटा हो गया है, मटन भी मैरिनेट हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। कुकर चढ़ा लिया है, रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ। गरम हो चुका है ऑयल, प्याज डाल दूंगी और अपने गरम मसाले, अच्छे से भून लेना है ब्राउन होने तक। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी जो हमने पेस्ट बनाया था ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से भून लूंगी मैं पेस्ट को। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, काफी अच्छे से भून लिया है मैंने मसाला, अच्छे से भून गया है मसाला। अब मैं मटन मैरिनेट किया हुआ था जो, वो ऐड कर देती हूँ। ये भी अच्छे से भून लेना है। ये मैंने मटन ऐड कर दिया है, ये भी अच्छे से भून लेना है 5 से 10 मिनट तक। ये देखिए मटन अच्छे से भून गया है, 3 से 4 सीटी ले लेती हूँ मैं। चावल बाद में ऐड करूंगी क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। अभी मैं 4 सीटी ले लेती हूँ, 4 सीटी ले लूंगी, उसके बाद फिर चावल ऐड करेंगे। ये देखिए मटन पे मैंने 5 सीटी ले ली है, थोड़ा गल गया। अब मैं यहाँ पर चावल ऐड कर देती हूँ। चावल ऐड करके अच्छे से भून लेती हूँ। ये मैंने चावल ऐड कर लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए चावल भी अच्छे से भून लिया है मटन के साथ। अब मैं इसमें गरम पानी ऐड करूंगी। गरम पानी ऐड कर दिया है, वापस से 4 सीटी लगा लेती हूँ पुलाव गलने तक। 5 सीटी हो गई है। ये देखिए हमारा मटन पुलाव बन के रेडी है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसलिए बर्दाश्त हो रही थी कि तुम बाहर हो,